सबसे बड़ी खबर कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से आ रही है, जहां पर एक कश्मीरी पंडित को मिलिटेंट के द्वारा गोली मार दी गई। और वहीं पर आपको बताते चाहे उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें कि कश्मीर घाटी के शोपियां जिले में मिलिटेंट के द्वारा एक कश्मीरी पंडित पर गोली मार कर उनकी हत्या जो है वो की गई है। और वहीं पर हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया और वहीं पर उनकी मौत जो है वो हो गई। और वहीं पर टारगेट किलिंग की बात करें तो टारगेट किलिंग जो है वो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं पर आपको इनका नाम जो है वो बताते चले, पूरन कृष्ण जिनकी मौत जो हत्या जो है वो हो चुकी है, उनका नाम पूरन कृष्ण है और ये चौधरी गुंड शोपियन के रहने वाले थे। और वहीं पर साथ ही साथ जिस तरीके से टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर घाटी में देखने को मिलती है, और बीते समय की बात करें तो बीते समय भी आपको हमने बताया था कि किस तरीके से कश्मीर घाटी में टारगेटिंग किलिंग जो है वो हर बार देखने को मिलती है। और वहीं पर एक टारगेट के लिंक मिल्टन के द्वारा एक गोली जो है वो चलाई जाती है, और वहीं पर जब उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है तो उनकी मौत जो है वो हॉस्पिटल में हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी के पीएम पैकेज की बात करें, पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो वो लगातार यही मांग कर रही हैं कि हमें जम्मू, जिस तरीके से उनकी मांगे ये है कि उन्हें रिलोकेट किया जाए, लेकिन अभी तक उनकी मांगें जो है वो पूरी नहीं की गई है। और वहीं पर ऑल जम्मू रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो उनकी भी यही मांगे है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो दी जाए, लेकिन अभी तक मांगें उनकी पूरी नहीं की गई। और कहीं ना कहीं अब एक और बल जो है वो उन्हें मिल चुका है, क्योंकि एक और हत्या जो है वो की गई है। टारगेट किलिंग, जिस तरीके से टारगेट किलिंग जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं पर एक और टारगेट किलिंग जो है वो शोपियन ज़िले में होती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि पूरन कृष्ण जिनका नाम, जिनकी हत्या की गई है मिल्टन के द्वारा गोली चलाकर, उनकी मौत हो गई है और पूरन कृष्ण उनका नाम है। और वहीं पर जिस तरीके से कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में एम्प्लॉयज़, जम्मू के एम्प्लॉय जो वहाँ पर काम करते थे, उनकी लगातार यही मांग है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी दी जाए, रिलोकेट किया जाए, लेकिन मांगों की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो उनकी मांगों को डिले कर रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि रविंद्र राणा द्वारा उन्हें तोहफा देने का वादा जो है वो किया जाता है, सैलरी रिलीज़ करने का वादा जो है वो किया जाता है, लेकिन सैलरी की रिलीज़ की बात करें तो वो तोहफा भी अभी तक उन्हें नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं इस टारगेटिंग किलिंग, जो टारगेटिंग शोपियन ज़िले में जो टारगेटिंग किलिंग हुई है, कहीं ना कहीं इस टारगेटिंग किलिंग से एक बल जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टारगेटिंग किलिंग जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं पर एक और टारगेटिंग जो है वो आज देखने को मिली शोपियन ज़िले में, ये टारगेट किलिंग जो है मिल्टन के द्वारा गोली जो है वो चलाई जाती है और हॉस्पिटल में उनकी मौत हो जाती है। साफ तौर पर कश्मीर घाटी के जिस तरीके से पीएम पैकेज की बात करें तो उनका यही कहना है कि हम कश्मीर घाटी में अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं, यानी कि उनका यही कहना है कि हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी दी जाए, रिलोकेट किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम यहाँ पर कश्मीर घाटी में अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं, सरकार को जल्द से जल्द कड़ा फैसला जो है वो लेना होगा, लेकिन अभी तक फैसले की बात करें, डिसीजन की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो ऐसा कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया। और वहीं पर टारगेटिंग किलिंग जो थमने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और वहीं पर बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर शोपियन ज़िले में, कश्मीर घाटी के शोपियन ज़िले में पूरन कृष्ण जिनका नाम पूरन कृष्ण है, उनको गोली मार कर उनकी हत्या जो है वो कर दी गई है। आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए टीवी नेटवर्क न्यू अपडेट्स के साथ, शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।